Hello everyone, subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलिया अली और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी काजल पेंसिल्स का रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट ब्रांड की कुछ काजल पेंसिल्स हैं। जेल फॉर्म में है, कुछ पाउडर फॉर्म में है और तो बाकी कुछ पेंसिल्स के शेप में है। तो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और मेरी वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये हाशमी काजल। ये हाशमी काजल जो है ये बहुत फेमस है, बहुत पुराना काजल है, जब कोई ब्रांड नहीं था। अब तो डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हैं पाउडर फॉर्म में, जेल फॉर्म में। जब कुछ भी नहीं था उस वक्त ये जो काजल था ये बहुत इन था हर घर में। सिंपल सी कार्डबोर्ड में इसकी पैकेजिंग है। यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए, छोटा सा पैकेजिंग है इसकी और बहुत फुल ब्लैक कलर का ये है। 60 to 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है। यहाँ से इसको आंखों पे लगाएंगे। इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा के चेक करवाती हूँ। ये देखिए, फुल ब्लैक कलर में है ये और आंखों पे लगा के ये बहुत प्यारा लगता है। बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ी देर बाद ये फैल जाता है। मार्केट से आम लोकल कोई ब्रांड बाय करना चाहते हैं तो उनमें ये सबसे बेस्ट है हाशमी काजल। तो डेफिनेटली अगर आप लोकली बाय करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है मेरे पास ये असली हर्बल काजल, जो कि सईद गनी का है। ये मैंने बाय किया है ऑनलाइन और ये भी मुझे तकरीबन 50 to 70 to 60 इसी रेंज में ये मुझे मिला है। इसकी क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इसको भी यहाँ पर लगा के चेक करते हैं। ये इसको मैंने आंखों में भी लगा के देखा था। इसको लगाने से थोड़ा सा मज़े की लुक नहीं आती, लग तो जाता है, इसको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है। ये आंखों से बह भी बहुत जल्दी जाता है, मुझे ये इतना मज़े का नहीं लगा इसलिए। बट ठीक है, इसको लगाने पे आंखों में कोई किसी किस्म की एलर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट लगाने पे ये हाशमी काजल, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो ये हाशमी काजल जो है तो इससे बहुत बेस्ट है। इन दोनों में से अगर कोई बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला बाय कीजिए। और थर्ड नंबर पे ये मेरे पास, ये भी सईद गनी का है मेरे पास, जो कि असली सुरमा जो होता है ना पाउडर फॉर्म में होता है उस तरह का है ये। इसको मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखिए, इसकी जो सबसे पहले तो इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। पैकेजिंग इसकी नाइस है। इसके अंदर आप सुरमा जो है वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ये देखिए, बट ये आंख में बहुत जल्दी ये भी अप्लाई नहीं होता। इसको बहुत लंबी देर तक, काफ़ी टाइम तक आप इसको आंखों में लगाते रहेंगे तब जाके थोड़ा सा आपको लगेगा कि आंखों में कुछ लगा है, वरना ये इतना ज़्यादा आंखों पे लगता नहीं है, नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा लगा हुआ, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। आपको थोड़ा सा इसको मेहनत करके लगाना पड़ेगा। और वैसे भी जो असली जो सुरमा होता है ना, सही वाला जो होता है वो पाउडर फॉर्म में ही होता है। ये बाकी तो केमिकल्स डाल के कुछ चीज़ें, कुछ में केमिकल्स ना भी हों तो हर्बल चीज़ें डाल के वो बनाया हुआ होता है। बट ये इस तरह के जो पाउडर फॉर्म में होते हैं यही सबसे बेस्ट होते हैं। बट ये इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, थोड़ी देर बाद आंखों से वैसे ही पाउडर फॉर्म होता है वैसे ही बह जाता है। इसकी भी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक सो 150 या 100 की रेंज में ये भी मिला है। मैं इसकी भी प्राइस मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ये भी काजल है जो कि मैंने मार्केट से लोकली बाय किया है। इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये लग तो जाता है, इसकी एक तो स्मेल बहुत गंदी है और दूसरा ये आंखों में बहुत जल्दी बह जाता है, फैल जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आपकी जो आंखें हैं फुल ब्लैक हो जाती हैं। तो इस ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, इसको मत बाय करें इस तरह का अगर मार्केट से लोकली मिले तो। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसकी भी जो प्राइस है ये थी 120 रुपीज़। और अब मेरे पास है जी ये रिवाज यूके का काजल, वाटरप्रूफ मैट ब्लैक हर्बल काजल, जो कि इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। इसको भी ओपन करते हैं तो ये देखिए, ओपन करने पे इसकी जो लुक है ये मैं आपको क्लोजली भी दिखा देती हूँ।
इसकी ये जो नोक है ना, ये वाली, ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको जिस तरीके से पतला करके लगाना चाहते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, मोटा लगाना चाहें उससे भी लगा सकते हैं, और इसकी भी पैकेजिंग बहुत नाइस है, बट ये भी आंखों में बहुत अच्छे से लग जाता है और ये थोड़ी देर स्टे करता है, बहुत जल्दी नहीं फैलता, फैल ज़रूर जाता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसको भी मैंने यूज़ करके फिर मैं ये जो जितने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इसको भी यहाँ पे लगा के चेक करवाती हूँ मैं आपको। इसका जो कलर है फुल है तो सभी ब्लैक, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक है ये भी। इस काजल का जो टेक्स्चर है वो क्रीमी सा है, क्रीमी टाइप का है, और प्राइस इसकी है 160 रुपीज़ में ये मिलेगा। मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया था, लोकली भी अवेलेबल है, 150-160 इसी रेंज में ये मिल जाएगा। अब है मेरे पास APK का स्टूडियो टच जेल काजल और आईलाइनर केक, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, बट काजल भी है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 24 आवर लास्टिंग वाटरप्रूफ है जो ये क्लेम करते हैं, 2-in-1 है, इसके अंदर काजल भी है और आईलाइनर भी है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखें, यहाँ पे मेंशन है और तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट के साथ मेंशन है, यहाँ पे लगाने का तरीका भी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और तमाम चीज़ें आप यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं। अब इसकी भी आप पैकेजिंग देख सकते हैं, जैसे आप कोई ड्रॉ ओपन करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से चाहे इस साइड से निकाल लीजिए, चाहे तो इस साइड से निकाल लीजिए, इस तरीके से आप इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये है एक छोटी सी डिबिया जो कि काजल और आईलाइनर दोनों आपको इसमें नज़र आएंगे, और साथ इसके एक आपको ब्रश भी मिलेगा। इसको करेंगे यहाँ से ओपन, इस जगह से, ये देखिए, ये है मेरे पास लाइनर, फिलहाल ये केक लाइनर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी, अभी सिर्फ काजल की बात करते हैं। इसको यहाँ से नीचे से आप घुमाएंगे तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है काजल का, ये है इसके अंदर जेल काजल। इसके साथ आपको एक ब्रश भी दिया हुआ है लाइनर के लिए और काजल के लिए, दोनों के लिए। ये इसको मैं आपको लगा के चेक करवाती हूँ, इसको यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये APK का है जो वो मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा जेल फॉर्म में है तो बहुत क्रीमी, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, आंखों पे ये लगाने के बाद बहुत सॉफ्ट दिखता है। और ये जो जेल काजल है ये सच में, ये जो क्लेम करते हैं कि ये 24 आवर तक लास्टिंग वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग है, ये सच में लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इसको लगा लें ये जल्दी नहीं निकलता, आप चाहे अपना फेस वॉश करें या आपको आंसू आ रहे हों तो ये उस सूरत में काफ़ी लंबा चलता है। इसकी प्राइस है 480 रुपीज़, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको मिल रहा है। ये है मेरे पास स्वीट टच की जो कि काजल पेंसिल है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसको लगा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत आसानी से अप्लाई हो जाती है, बिना किसी इरिटेशन के सॉफ्टली आपके आंखों पे अप्लाई हो जाती है, बहुत देर तक ये आपकी आंखों पे स्टे करती है, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, जल्दी से आपकी आंखों से बह जाती है। वाटरप्रूफ ना होने की वजह से ये आपकी आंखों से बह जाती है, अदरवाइज़ ये काफ़ी देर तक ये आपकी आंखों पे स्टे करती है। और ये फुल ब्लैक कलर में है, 1.2 ग्राम इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगी, 30 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और मेड इन जर्मनी, जर्मनी का ये ब्रांड है, और बाकी इसके ऊपर कुछ खास मेंशन नहीं है। और इसकी जो प्राइस है वो भी 400-500 की रेंज में ये भी आपको मिलेगी, नॉट श्योर, इसकी भी मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। और अब नेक्स्ट है मेरे पास मेबलिन की क्लॉसर काजल 12 आवर एक्स्ट्रा ब्लैक, ये जो पेंसिल है ये भी बहुत कमाल की पेंसिल है, बहुत फेमस है, तकरीबन ये मैंने ये कोई दूसरी या मेरी तीसरी होगी जो कि मैं मंगवा के यूज़ कर रही हूँ। बहुत इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आप बहुत जल्दी ये आंखों से निकलती नहीं है, काफ़ी देर तक ये आंखों पे आप लगी रहती है, बहती नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हैं किस तरह की है, और यहाँ से इसको बिल्कुल यहाँ से नीचे से, ये देखिए, इसको रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। इसके अंदर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, काफ़ी इसके अंदर यहाँ तक जितनी अमाउंट है उतनी आपको ये नज़र आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं, और ये भी मैं आपको यहाँ पे लगा के चेक करवाती हूँ।
ये देखिए बहुत आसानी से ये लग जाती है। इसका कलर भी फुल ब्लैक कलर में है। ये प्राइस है जी इसकी 378 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट पे है मेरे पास, ये भी मेबेलिन की है, क्लोसल काजल। बट ये मुझे जब मैंने बाय किया था, मेकअप रिमूवर जो था मैंने बाय किया था गार्नियर का, उसके साथ ये मुझे फ्री मिली थी। सेम ये भी उसी तरह की है, इसको भी आप रोटेट करेंगे। और इसको भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ तो इसका भी टेक्सचर सेम है और ये भी बहुत सेम लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी भी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने गार्नियर का जो मेकअप रिमूवर क्लिंजिंग वाटर बाय किया था उसके साथ ये फ्री मिली थी। बट डोंट वरी, इनकी जो प्राइस है वो मैं या तो मैं यहाँ ऊपर लगा दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो गर्ल्स, ये थे डिफरेंट टाइप्स के काजल्स, कुछ पेंसिल्स की शेप में, कुछ लाइनर, कुछ जेल की शेप में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और इनके जो स्वाचेज़ हैं वो भी मैं यहाँ पे चेक करवा चुकी हूँ, कितना ज़्यादा, कोई ब्लैक है, कोई वाटर प्रूफ है, कोई किस तरह का है। अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इन तमाम काजल पेंसिल्स के में से जो मुझे अच्छी लगी। सो सबसे पहले तो मैं इसको APK का जो काजल है, आउट क्लास, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये एक दफ़ा ड्राई हो जाए, लगाने के बाद जब आपकी आंखों पे थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाता है, उसके बाद ये इसको आप जैसे मर्जी इजी हो के, अगर आपको रोना भी आ रहा है, आपने फेस भी वॉश करना है, तो ये जल्दी से नहीं निकलेगा। डेफिनेटली मैं इसको लाजमी मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग आपको नहीं मिल रही, तो आप APK का ज़रूर बाय करके ट्राई करें, ये बहुत बेस्ट है। और उसके बाद मेरे पास ये जो मेबेलिन की पेंसिल्स हैं क्लोसल, ये भी बहुत आउट क्लास है। ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत बेस्ट हैं अगर आप लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ अपनी आंखों पे अप्लाई करना चाहते हैं एज अ काजल, तो इन दोनों ऑप्शन की तरफ आप ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इनको यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। फुल डे आप इसको इसको कैरी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बार बार आप इसको टचअप करें या आपको ये टेंशन हो फैल रहा है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं। सो ये दो चीज़ें हैं, दोनों में से आप बाय कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बाकी ये जो अगर आप थोड़ा कम प्राइस में अगर बाय करना चाहते हैं, तो उनमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हाशमी काजल जो है ये बाय करो, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी में है। उसके बाद ये रिवाजुके का बाय कर सकती हैं, जो कि ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे आपको तमाम चीज़ें बतानी थी, इसलिए उसके लिए थोड़ी सी माजरत करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो में मिलते हैं, नई बातों के साथ, नई रिव्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।